कक्षा 4 पाठ 4 विशेषण परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष विशेष विशेषण जिन संज्ञा विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। यानी कि विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। बुद्धिमान बालक, तो विशेषण हो गया बुद्धिमान, विशेषण बुद्धिमान, और विशेष हो गया बालक, यानी कि जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष होता है। अब तीन पंखे, तो तीन हो गया विशेषण और पंखे हो गए विशेष। लंबे बाल, तो लंबे हो गया विशेषण और बाल हो गया विशेष। याद रखिए विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले, विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी, इससे उन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। विशेषण के भेद, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण दशा स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नीला आकाश। नंबर 2 स्वस्थ बालक। नंबर 3 मीठा आम। यहाँ सभी स्थूल शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। भला बुरा, खट्टा नमकीन, युवा वृद्ध अशिष्ट, पतला मोटा, बेईमान निर्दयी आदि। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा अनाज, 5 किलो सेब, कुछ चावल। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, 2 केले, 3 संतरे, 5 आदमी। संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। उदाहरण देखिए, ये घोड़े किसके हैं, ये वे बाघ हमारे हैं, यह थैला बड़ा है, ये रंगीन शब्द विशेषण है। नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नंबर 1 बनारसी साड़ियां संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। नंबर 3 भारतीय संगीत सभी को भाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बनारस इलाहाबाद भारत, बनारसी इलाहाबादी भारतीय। विशेषणों की रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 यौगिक विशेषण। मूल विशेषण, नंबर 2 यौगिक विशेषण। मूल विशेषण वे शब्द जो मूलतः विशेषण ही हैं उन्हें मूल विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा बुरा, स्वस्थ सुंदर छोटा, काला गोरा, पतला मोटा आदि। नंबर 2 यौगिक विशेषण, विशेषण संज्ञा सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर यौगिक विशेषण की रचना की जाती है, जैसे ईश्वर प्लस ईश्वरीय, पाप प्लस ई पापी, बल प्लस वान बलवान, दुख प्लस ई दुखी, पंजा पंजाबी, धन धनी, गुड़ गुड़ी, वर्ष वार्षिक, दोष दोषी, जापान जापानी, दूध दुधारू, नमक नमकी, नम चमक चमकीला। विशेषणों की अवस्था, विशेषणों द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष्य में कम अथवा किसी से अधिक पाई जाती है, जैसे मीरा सुंदर है, मीरा श्वेता से अधिक सुंदर है, मीरा सबसे सुंदर है। विशेषता कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती
है। नंबर एक, मूलावस्था, यह विशेषता का मूल रूप होता है। इसमें विशेष की किसी से तुलना नहीं की जाती, जैसे मोहन एक बुद्धिमान बालक है। नंबर दो, उत्तरावस्था, यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है तथा एक को दूसरे से अधिक या कम कम बताता है, जैसे मोहन रवि से अधिक बुद्धिमान है। नंबर तीन, उत्तरावस्था, यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा अधिक बढ़ाकर बताता है, जैसे मोहन कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बालक है। ये स्वयं पढ़िए।